ओम शांति, ओम शांति। बाबा कह रहे मीठे बच्चे, जब समय मिले तो एकांत में बैठकर विचार सागर मंथन करो। एकांत किसको कहा जाता है? हाँ, एक के अंत में, एक की याद में रहना ही एकांत हो गया। और उसमें बैठकर क्या करना, एकदम मन को बैठा के नहीं रखना है, बल्कि जो बाबा ज्ञान दे रहा है ना, उसको विचार सागर मंथन करना है कि इसमें बाबा क्या हमको बताना चाह रहा है। जो पॉइंट से सुनते हो उसको रिवाइज करो। प्रश्न है, तुम्हारी याद की यात्रा पूरी कब होगी? उत्तर है, जब तुम्हारी कोई भी कर्मेंद्रिया धोखा ना दे, कर्मातीत अवस्था हो जाए, कर्म करते हुए क्या महसूस हो कि मैं एक फरिश्ता इन कर्मेंद्रियों द्वारा काम करवा रही हूँ, तब होगा कर्मातीत अवस्था, तब याद की यात्रा पूरी होगी। अभी तो तुमको बहुत पूरा पुरुषार्थ करना है, ना उम्मीद नहीं बनना है कि नहीं कर पाएंगे, करवाएगा तो बाबा सबसे, इसलिए ना उम्मीद नहीं बनना है, सर्विस पे तत्पर रहना है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे, आत्म अभिमानी होकर बैठे हो? बच्चे समझते आधा कल्प हम देह अभिमान में रहे हैं, अब देही अभिमानी ही रहने के लिए मेहनत करनी पड़ रही है। बाप आकर समझाती है, अपनी को आत्मा समझ कर बैठो, तब ही बाप की याद आएगी। हम बाप को याद करेंगे तभी याद आएगा जब हम आत्मा समझेंगे। देह भान में रहेंगे तो क्या होगा, घर परिवार याद आएगा, नहीं तो भूल जाओगे। याद नहीं करोगे तो यात्रा कैसे कर सकोगे, पाप कैसे कटेंगे, घाटा पड़ जाएगा ना। तो यह तो घड़ी घड़ी याद करो, यह है मुख्य बात। आज बाबा मुख्य क्या दे रहा है होमवर्क, कि घड़ी घड़ी अपने आप को आत्मा समझ कर याद करना है। बाकी तो बाप अनेक प्रकार की युक्तियां बतलाते रहते हैं, रॉन्ग क्या है, राइट क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, वह भी समझाया है। बाप तो ज्ञान का सागर है, भक्ति को भी जानते हो तुम। बच्चों को भक्ति में क्या क्या करना पड़ता है समझाते, या यज्ञ हवन तप आदि करना, ये सब तो भक्ति मार्ग है। भल बाप की महिमा उन लोग भी करते, लेकिन उल्टी महिमा करते हैं। वास्तव में कृष्ण की महिमा भी पूरी नहीं जानते, कृष्ण की भी पूजा करते हैं लेकिन नहीं जानते हैं। हर एक बात को समझना चाहिए यहाँ पर। जैसे कृष्ण को वैकुंठ नाथ कहा जाता, अच्छा बाबा पूछते हैं कृष्ण को त्रिलोकी नाथ कहा जाता है, कृष्ण को त्रिलोकी नाथ कहा जाता है? नहीं, गाया जाता है ना त्रिलोकी नाथ। अब त्रिलोकी नाथ अर्थात तीन लोगों का मालिक, मूल वतन, सूच वतन और स्थूल वतन। तुम बच्चों को समझाया जाता तुम ब्रह्मांड के भी मालिक हो। कृष्ण ऐसे समझते होंगे कि हम ब्रह्मांड के मालिक हैं? नहीं, वो उनको तो याद ही नहीं रहेगा कि हम कहाँ के रहने वाले हैं, तो वो तो केवल वैकुंठ के मालिक हुए कृष्ण। ना बाबा कहता है स्थूल वतन का मालिक बनेगा, ना ही ब्रह्मांड का मालिक वो जान रहा है। वह तो वैकुंठ में थे ना, वैकुंठ कहा जाता है स्वर्ग, नई दुनिया को। तो वास्तव में त्रिलोकी नाथ कोई भी नहीं है, त्रिलोकी नाथ शिव बाबा भी नहीं है। कैसे नहीं है शिव बाबा, क्योंकि यहाँ पर तो रावण राज्य है धरती पर, स्वर्ग में तो शिव बाबा आता नहीं है। तो बाबा कहता है कि धरती का भी हम मालिक नहीं है। उसके बाद सूक्ष्म मतन जो अभी रचा है वहाँ का भी मालिक नहीं है, वैकुंठ का भी मालिक नहीं है। तो बाबा कहता मैं भी त्रिलोकी नाथ नहीं हूँ। बाप सही बात समझाते, तीन लोग तो हैं, ब्रह्मांड का मालिक शिव बाबा भी है, ब्रह्मांड का केवल मालिक शिव बाबा भी है, तो हम बच्चे भी हैं। सूक्ष्म वतन की तो बात ही नहीं, यहाँ से जब जाएंगे तो सूक्ष्म वतन होते हुए जाएंगे, लेकिन जब हम लोगों का परम था ये वैकुंठ आने का समय होगा तो सूक्ष्म वतन खत्म हो जाएगा, तो फिर याद नहीं रहेगा, तो सूक्ष्म वतन तो रहेगा ही नहीं। स्थूल वतन में भी वह मालिक नहीं है शिव बाबा, न स्वर्ग का न नर्क का मालिक है बाबा। कृष्ण है स्वर्ग का मालिक, नर्क का मालिक रावण है। इनको रावण राज, आसुरी राज कहा जाता, मनुष्य कहते भी हैं, परंतु समझते तो कुछ भी नहीं है ना। वैकुंठ का मालिक, त्रिलोकी नाशक कहते हैं, लेकिन है कौन पता ही नहीं। तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते, रावण को 10 शीश देते हैं, 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के। अब 5 विकार तो सबके लिए है ना, अब स्त्री अब पुरुष नहीं, 5 विकार तो सबका हो गया। तो बाबा कहता सबका, सब है रावण राज में। अभी तुम श्रेष्ठाचारी बन रहे हो, बाप आकर श्रेष्ठाचारी दुनिया बनाते हैं, इसलिए एकांत यानी कि एक की याद में बैठकर ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करो कि उससे भी और क्या निकले, अमृत निकले। बाबा कहता जितना हम ज्ञान को मंथन करेंगे ना, तो कुछ न कुछ प्वाइंट और बाबा देता जाता है।
तो उस पढ़ाई के लिए स्टूडेंट एकांत में बैठकर किताब ले जाकर पढ़ते है ना। तुमको कोई किताब नहीं ले जाना है, बस मन और बुद्धि से क्या करना, बाबा के दिए हुए मुरली का ज्ञान को नोट करना है मन बुद्धि में और रिवाइज करना है। यह बड़ी गुह्य बात है समझने की। बाप कहते है ना, आज तुमको गुह्य से गुह्य नई नई पॉइंट समझा रहा हूँ। पारसपुरी के मालिक तो लक्ष्मी नारायण है, ऐसे भी नहीं कहेंगे कि विष्णु है। पारसपुरी के मालिक लक्ष्मी नारायण है, विष्णु नहीं है, क्योंकि हम लोगों को लक्ष्मी नारायण का कम्बाइंड रूप ही न बनना है। तो इसीलिए दिखाते है ना कि ब्रह्मा बाबा जब बच्चों को ले गए थे तो नारी लोग को देते थे नर का काम और नर को देते थे नारी का काम, क्योंकि दोनों को परफेक्ट बनाना था, दोनों हर काम में परफेक्ट रहे। तो इसलिए विष्णु का स्वरूप हम लोग अभी बन रहे हैं और वहाँ लक्ष्मी नारायण तो अलग अलग राज्य करने वाले हो जाएंगे। विष्णु को भी समझते नहीं है लोग कि विष्णु किसके किसको कहा जाता है, यही लक्ष्मी नारायण का कम्बाइंड रूप है ना। अभी तुम शॉर्ट में एम ऑब्जेक्ट समझाते हो। ब्रह्मा स्वयं सरस्वती कोई आपस में मेल फीमेल नहीं है, स्त्री पुरुष तो नहीं, वो तो बाप बेटी है। यह तो प्रजापिता ब्रह्मा है ना, प्रजापिता ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कह सकते हैं, लेकिन शिव बाबा को केवल बाबा ही कहेंगे, वो अचल केवल बाबा है। और ब्रह्मा बाबा ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है। बाबा क्यों ग्रेट ग्रेट बोल रहा, क्योंकि एकदम पति से पावन बनकर पहला नंबर में दिखाता है कि हम बन रहे हैं। तो बाकी सब ब्रदर्स है, इतने सब ब्रह्मा के बच्चे, सबको मालूम है हम भगवान के बच्चे भाई भाई हो गए, परंतु वह है निराकारी दुनिया। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, नई दुनिया सतयुग को कहा जाता है, इसका नाम फिर पुरुषोत्तम संगम युग रखा जाता है। सतयुग में होते हैं पुरुषोत्तम, जितनी भी आत्माएं जाएंगी ना सतयुग में, सब उत्तम बनकर ही जाएंगी। यह बड़ी वंडरफुल बातें, तुम नई दुनिया के लिए तैयार हो रहे हो, इस संगम युग पर तुम पुरुषोत्तम बनते हो। कहते भी हैं हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, यह सबसे उत्तम पुरुष है ब्रह्मा बाबा, उन्हों को फिर देवता कहा जाता है। उत्तम से उत्तम नंबर वन है लक्ष्मी नारायण, फिर नंबर वार तुम बच्चे बनोगे। सूर्यवंशी घराने को उत्तम कहा जाता है, नंबर वन तो है ना। आहिस्ते आहिस्ते कला कम होती जाएगी, अभी तुम बच्चे नई दुनिया का मुहूर्त करते हो। जैसे नया घर जाते हैं तो पहले बच्चे क्या करते, मुहूर्त निकालते हैं ना कि कौन सा सही समय है कि जाएं। तो बच्चों को खुश होना चाहिए कि मुहूर्त कर रहे हैं। तुम बच्चे भी नई दुनिया को देखकर खुश होते हो ना कि कितना सुंदर दुनिया में जा रहे हैं, मुहूर्त करते हो। लिखा हुआ भी है सोने के फूलों की वर्षा होती है, सोने के फूलों की वर्षा होती है। क्यों बाबा बोला, सोने के फूल हो सकते हैं। बाबा कहता है सोना चांदी का वहाँ ढेर लगा रहेगा, वही हुआ सोना का फूल। बाबा कहता है जैसे यहाँ फूल झड़ता है ना, तो वैसे सोना क्या होगा, जगह जगह फैला हुआ रहेगा और सभी आत्माएं क्या है फूल बनकर ही रहेंगी, सब एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करेंगी। तो तुम बच्चों को कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए कि कितना वहाँ अच्छा जिंदगी रहेगा। तुमको सुख और शांति दोनों मिलता है, दूसरा कोई नहीं जिसको इतना सुख और शांति मिले। अब गाड़ी नया लेते हैं तो नया गाड़ी चलाने में बड़ा मजा आता है, या नया घर लेते हैं तो नया घर कितना सुंदर लगता है, लेकिन वही दो चार साल होते होते अगर पुराना होता है तो कितना भी पोचाड़ा कर दीजिए, कितना भी कुछ कीजिए, नया जैसा चमक नहीं आएगा। उसी तरह जो सतयुग त्रेता का महत्व है ना, सतयुग का वो त्रेता में नहीं है, जो त्रेता में है वो फिर द्वापर में नहीं रहेगा, द्वैत हो जाएगा, दूसरे धर्म आ जाएंगे। द्वापर में तो दूसरा धर्म हो जाएगा और सतयुग त्रेता में केवल एक ही धर्म का राज्य रहेगा। तुम बच्चों का पार खुशी होनी चाहिए, हम पुरुषार्थ कर ऊंचा पद पाए। ऐसे नहीं कि जो तकदीर में होगा सो मिलेगा, ये सोचकर यहाँ नहीं बैठना है कि जो तकदीर में होगा सो मिलेगा। पास होंगे कि नहीं होंगे ये भी नहीं सोचना, सबको पास होना है, नहीं ये नहीं सोचना कि पास होंगे या नहीं। हर बात में पुरुषार्थ करना पड़ता है, पुरुषार्थ नहीं पहुँचता है तो कह देते हैं नसीब में नहीं होगा। अगर कभी कभी पापों का बोझा हो जाता है तो बाप की याद ठहरती नहीं, तो बोलते हैं क्या करें मेरा तो याद ठहर ही नहीं रहा। बाप को याद करते हैं लेकिन योग नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा है। तो बाबा कहता फिर भी पुरुषार्थ को बंद मत करो, करते रहो। बाप कहते तुम माताओं को कितना ऊंचा बनाता हूँ, फीमेल का मान सब जगह है, विदेशों में भी क्या है फीमेल को मान दिया जाता है, यहाँ भी फीमेल को बाबा उठाता है। यहाँ बच्ची पैदा होती है उल्टा मंजा उल्टी चारपाई कर देते, गुस्साते है ना,
कि बेटी मेरे घर जन्म ले लिया। अभी जिस समय बाबा माताओं को ऊंचा उठा रहा था उसमें बेटियों का कोई मान नहीं था, सती प्रथा भी था उस समय, कोई माता लोग का नाम नहीं होता था बेटी लोग का। तो बाबा कहता उल्टी मंझा कर देता, यानी उल्टा कर देता, बेटी का ही मान देना चाहिए। अब बेटी को ही क्या करता है, एकदम कैदी बना लेता है उस समय। तो दुनिया गंदी हुई। इस समय तुम बच्चे जानते हो भारत क्या था, अब क्या है, मनुष्य भूल गए हैं, सिर्फ शांति शांति मांगते रहते हैं। तो विश्व में शांति चाहते हैं, तुम यह लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाओ, इन्हों का राज्य था तो पवित्रता सुख शांति सब थी। समझाना है विष्णु नारायण, ये लक्ष्मी नारायण का चित्र से समझाना कि देखिए इन लोग तो पहना सब कुछ है, कपड़ा भी अच्छा पहना, जेवर भी अच्छा पहना, चेहरा भी हर्षित मुख दिखाते, आखिर इन लोग राज किया होगा तब ना दिखा रहे सब कुछ पहने हुए। तो इस पर दिखाना कि इसी राज्य में हम लोग को जाने का तैयारी हो रहा है। मूल वतन में तो विश्व में शांति नहीं कहेंगे, मूल वतन में विश्व की शांति नहीं कहेंगे, मूल वतन यानी कि परम धाम में, तो वहाँ तो केवल निराकार आत्मा रहती, ना सुख भासेगा ना दुख वहाँ रहेगा, तो कुछ भी नहीं रहेगा। विश्व में शांति तो यहाँ होगी धरती पर ही, देवताओं का राज सारे विश्व में होगा। मूल वतन तो है आत्माओं की दुनिया, मनुष्य ये भी नहीं जानते कि आत्माओं की दुनिया होती है। बाप कहते हैं हम तुमको कितना पुरुषोत्तम बनाने आए हैं, ऊंचा बनाने आए हैं, यह समझने की बातें हैं। ऐसा नहीं कि रड़ियां मारेंगे भगवान आया है तो कोई मानेगा नहीं, ऐसा नहीं कि केवल सबको समझाने जा रहे हैं, कोई नहीं मान रहा तो मुंह जाए कि भगवान आया हुआ कोई तो मानता ही नहीं। नहीं, उन लोग माने या ना माने, हम लोगों को निश्चय पक्का है, तो हम लोग को करते जाना है। और ही गाली खाएंगे खिलाएंगे भी, क्या करना है कि मुरली चल रहा ना, तो मुरली सुनकर बस सबको संदेश दे रहे हैं, अपने अंदर धारणा नहीं कर रहे हैं, तो कोई मान नहीं रहा। अब मान नहीं रहा तो गाली भी खाएंगे और बाबा को भी गाली खिलाएंगे कि हमको भी तो दुखी हो रहा है। तो लोग बोलेंगे ना कि जब तुम्ही को दुख हो रहा है तो हम लोग को क्यों नहीं होगा। कहेंगे बीके अपने बाबा को भगवान कहती है। गाली क्या हुआ ना, जब शुरुआत में दादा लेखराज आए, दादा लेखराज के तन में आए बाबा, तो लोग बोलता था इन लोग किसको भगवान बना दे रही है, इस ब्रह्मा को, ये दादा लेखराज को भगवान बना रही है, ये तो ज्वेलरी था, गाली देते थे बहुत। तो ऐसी सर्विस नहीं होती है। बाबा युक्ति बताते, कमरे में 8-10 चित्र दीवार में अच्छी रीति लगा दो, बाहर में लिख दो बेहद का बाप, बेहद का सुख देने के लिए, मनुष्य से देवता बनाने के लिए इस तन में प्रवेश करता है। तो आओ हम आपको समझाते हैं। इस तरह से डायरेक्ट नहीं बोलना है कि ये भगवान है, ब्रह्मा बाबा ही हमारा भगवान है, ये नहीं बोलना है। ऐसे बहुत ही आने लग पड़ेंगे, उनको आप ही लगेगा कि नहीं शिव बाबा आया हुआ है। विश्व में शांति तो थी ना, अभी इतने धर्म हैं, तमो प्रधान दुनिया में शांति कैसे हो सकती है। विश्व शांति वह तो भगवान ही कर सकता है। विश्व में शांति करना मनुष्यों की बात है, एक देश में तो शांति लोग कर ही नहीं पा रहा है, तो विश्व की शांति कैसे लोग कर पाएगा। तो शिव बाबा आते हैं तो जरूर सौगात लेकर आते हैं। अगर माँ बाप भी अपनी परिवार के यहाँ जाता है या अपनी बेटी के यहाँ जाता है तो कुछ ना कुछ गिफ्ट सौगात मीठा लेकर जाता है। तो यहाँ भी शिव बाबा आएगा अपनी अपने बच्चों से मिलने, तो खाली हाथ तो आएगा नहीं, तो यहाँ लेकर आता स्वर्ग का बादशाही। तो एक है बाप जो इतना दूर से आते हैं और एक बाबा ये एक और ये आते हैं, इतना बड़ा बाबा 5000 वर्ष के बाद आते हैं, मुसाफिरी से लौटते हैं, तो बच्चों के लिए सौगात लेकर आते हैं। स्त्री को पति भी, बच्चों का बाप भी बनता है ना, फिर दादा पर दादा तर दादा बन जाता है। स्त्री का पति जो है तो पहले बच्चों का बाप बनता है, फिर पर दादा तर दादा सब बन जाता है। इनको तुम केवल बाबा ही कहोगे, ग्रैंडफादर भी होगा, ग्रैंड फिर ग्रेट ग्रैंडफादर भी होगा, बिरादरियां है ना, एडम आदि ईव दिखाते हैं ना बाइबल में, क्या दिखाता है एडम और ईव दिखाते हैं, यहाँ ब्रह्मा सरस्वती दिखाते हैं, बाइबल में एडम और ईव दिखाते हैं, यही दोनों है। हाँ, सब में बाइबल में भी और कुरान में भी दूसरे नाम से है कुछ, तो उसमें भी इन्हीं लोग दोनों का अलग नाम है, नाम अलग कर दिया गया लेकिन है यही ब्रह्मा, नहीं पैगंबर नहीं, उसमें दूसरा नाम है। परंतु मनुष्य समझते नहीं, तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते, बाप द्वारा हिस्ट्री की सृष्टि चक्र की हिस्ट्री और ज्योग्राफी को समझाते, तुम ये सब जानकर चक्रवर्ती राजा बनते। हिस्ट्री क्या हुआ, ज्योग्राफी क्या हुआ, हिस्ट्री हुआ जो सत्ययुग से हम लोग कलयुग तक का पाठ बजाए हैं, और ज्योग्राफी हुआ कि हम लोग परम धाम के मालिक हैं, बैकुंठ के मालिक है, सूच वतन में हमारा फरिश्ता स्वरूप है, ये ज्योग्राफी हुआ। तो तुम जाकर चक्रवर्ती राजा बनते हो,
बाबा कितना प्यार रुचि से पढ़ाते हैं, कितना आनंद से पढ़ाते हैं। तो इतना पढ़ना चाहिए ना बच्चों को भी। सवेरे का टाइम तो सब फ्री होते हैं, सुबह का क्लास होता आधा पौना घंटा, मुरली सुनकर फिर चले जाओ। याद तो यहाँ कहीं भी रहकर कर सकते हो। इतवार का दिन छुट्टी होता है, सवेरे 2-3 घंटा भी बैठ जाओ। बाबा कितना युक्ति उसमें बताता था जॉब करने वालों के लिए या बिजनेस की। इतवार को छुट्टी होता है उस दिन 2-3 घंटा बैठ जाओ, बाकी दिन पौना घंटा तक बैठो। दिन की कमाई को मेकअप कर लो, पूरा झोली भर कर ही छोड़ना। टाइम तो मिलता है ना, माया के तूफान आने से याद नहीं रह सकती है। बाबा बिल्कुल सह समझाते, भक्ति मार्ग में कितने सत्संगों में जाते थे, कृष्ण के मंदिर में, श्रीनाथ के मंदिर में, फिर और किसके किसके मंदिर में जाते जाएंगे। यात्रा में कितने व्यभिचारी बन गए थे तुम, सत्युग से कलयुग तक की यात्रा में हम लोग कितना व्यभिचारी। व्यभिचारी का मतलब होता है अनेकों की भक्ति। अनेकों की भक्ति में क्या क्या गया, देवी देवताओं की, शिव की भक्ति, अन्य देवी देवताओं की भक्ति, प्रकृति की भक्ति, पांच तत्व की भक्ति ना, जल वायु सब का पूजा कर रहे थे। उसके बाद यहाँ तक कि साधुओं की भी पूजा कर रहे थे। तो बाबा कहते कितना व्यभिचारी तुम हो गए थे, इतनी तकलीफ लेते थे, फायदा कुछ हुआ क्या? फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ। ड्रामा में यह भी नूंद है, फिर भी होगा, तुम्हारी आत्मा में पाठ भरा हुआ। सत्युग त्रेता में जो पाठ कल्प पहले बजाया होगा वही बजाएंगे। मोटी बुद्धि यह नहीं समझते, जो महीन बुद्धि वह अच्छी रीति समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। ये बात जो बोलता बाबा कि कल्प पहले जो पाठ बजाया था वही फिर से पाठ बजाया, इसमें लोग मुंझ जाते हैं। लेकिन आप सोचिए कि अभी जब खाना बनाने में हम लोग नहीं सोचते हैं कि कल्प पहले जो बनाए होंगे वही बनाएंगे तो बैठ जाएंगे तो बनेगा, नहीं बनेगा उसको बनाना पड़ेगा ना। तो उसी तरह हम लोग अपना जिंदगी का एक एक दिन लिखते हैं ना कि आज ये खाना बनाएंगे, ये खाएंगे, आज ये करेंगे तो ये खाएंगे। उसी तरह हम ये क्यों सोचे कि कल पहले क्या किए थे, हम लोग को अभी अच्छा से अच्छा पाठ बजाना है तो अच्छा से अच्छा मिल जाएगा। उनके अंदर भाषणा आती है, यह अनादि नाटक बना हुआ है, दुनिया में कोई नहीं समझती, यह बेहद का नाटक है, इनको समझने में भी टाइम लगता है। हर एक बात डिटेल में समझा कर फिर कहा जाता है मुख्य याद की यात्रा। हर एक बात समझाया जाता है डिटेल में, फिर बाबा लास्ट में क्या बोलता है, याद करो, मुझे याद करो। सेकंड में जीवन मुक्ति भी गाया हुआ है, और फिर भी गायन है कि ज्ञान का सागर है वो। सारा सागर को स्याही बना लो, जंगल को कलम बना लो, धरती को कागज बनाओ, तो भी अंत नहीं पा सकते हैं, ज्ञान का अंत नहीं हो सकता, क्योंकि इतना ज्ञान है ना कि बाबा को 100 साल भी कम पड़ रहा है। 100 साल में केवल हम आत्माओं का ज्ञान मिला, अगर देने लगेगा बाबा ज्ञान तो जीव जंतुओं का, पेड़ पौधों का, हवा का, सब चीज का ज्ञान देने लगेगा, तो लगेगा था ज्ञान, फिर ले नहीं पाएंगे 100 साल में। इसलिए वो सब चीज में नहीं मुझना है, केवल अपने आप को देखना हम कितना तैयार हो रहे हैं। शुरू से लेकर तुम कितना लिखते आए हो, ढेर कागज भर गए हैं, तुमको कोई धक्का नहीं खाना है। मुख्य अल्प, अब बाबा कहता है इतना सारा कागज जो पहले शुरुआत में दादी लोग को मिला, तो बाबा क्या बोला, बच्ची इसको छोड़ दो, तो दादी लोग बोली नहीं बाबा हम लेकर ही जाएंगे। तो दादा क्या बोला, युक्ति से क्या बोला, बच्ची यही तो द्वापर में निकलेगा, इतना बड़ा बक्सा मंगाया उसमें सारा मुरली जो लिखी थी उन लोग सब उसमें डलवा दिया, बोला यही तो द्वापर में निकलेगा इसलिए इसमें डाल दो। युक्ति से क्या किया, छोड़वा दिया, क्योंकि इतना सारा पेपर लेकर आना संभव तो नहीं ना था। 380 बच्चा का सामान, 380 बच्चा उसका सारा सामान, फिर मुरली नहीं, नहीं वो तो बुद्धि से आएगा तो लिखते जाएंगे लोग। तो मुख्य है अल्लाह को जानना, बाप को याद करना। यहाँ भी तुम आते हो शिव बाबा के पास, शिव बाबा इसमें प्रवेश कर तुमको कितना प्यार से पढ़ा रहे हैं। कोई बड़ाई नहीं करते हैं बाबा अपना कि हम प्यार से पढ़ाते, लेकिन हम लोगों को महसूस होता है ना कि बाबा कितना प्यार देता है। बाप कहते मैं आता हूँ पुराने शरीर में, हम लोग क्या बोलते हैं, अगर कोई गलत काम करता है ये तो सुन नहीं सकता है, लेकिन हम लोग भी तो सुनना नहीं चाहते थे, या तो खान पान सब गलत था, लेकिन बाबा आते साथ क्या बोलता है, मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, जान नहीं रहा वो कि हम लोग खट्टा भी है तीता भी है, लेकिन मीठा क्यों बोला, क्योंकि उनके मीठा बोलने से ही हम लोग मीठा बन जा रहे हैं। तो हम लोग को भी किसी भी आत्मा के प्रति नहीं बोलना है वो आत्मा ऐसी है, वो ऐसी है। पुराने शरीर में मैं आता हूँ, कैसी साधारण रीति शिव बाबा पढ़ाते हैं, कोई अहंकार नहीं है शिव बाबा को। बाप कहते मैं, तुम मुझे कहते बाबा पतित दुनिया, पतित साधारण रीति से आकर पढ़ाओ, शरीर में आओ, हमको ज्ञान दो, सत्युग में नहीं बुलाते हो, आकर हीरे ज्वारतों के महल में बैठो, भोजन आदि पाओ,
श्री बाबा भोजन पाते ही नहीं है। बाबा क्या बोलता है कि सत्युग में तुम नहीं बुलाते हो, वहाँ तो तुम लोग ऐश मौज करते हो, और जब कलयुग में दुख आता है तब मुझे बुलाते हो। क्यों नहीं बुलाते? क्योंकि मैं निराकार हूँ, मैं तो खाने थोड़ा ही आऊंगा, मेरा काम है तुम पतितों को पावन बनाना। आगे बुलाते थे, आकर भोजन खाओ, 36 प्रकार का भोजन खिलाते थे। फिर यह भी होगा, भक्ति मार्ग में लोग करते थे ना कि भोजन बनाते थे खिलाते थे, लेकिन इसमें ज्ञान ही नहीं था कि शिव बाबा तो निराकार है, वो खाएगा क्या? वो खाएगा नहीं, ये तो भोजन बनाते हैं अपने लिए, बाबा की याद में शक्ति भर कर अपने लिए खाते थे। तो यह भी चरित्र ही कहेंगे। कृष्ण के चरित्र क्या है? वह सतयुग का प्रिंस है, उनको पतित पावन नहीं कहा जाता है। सतयुग में यह विश्व का पहला मालिक कैसे बना, यह भी अभी तुम जानते हो। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है, अभी तुमको घोर रोशनी मिल रही है। बाप आकर रात को दिन बना देते, आधा कल्प तुम राज्य करते हो, तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। तुम्हारी याद की यात्रा तब पूरी होगी जब तुम पूरा कर्मेंद्रियों पर राज करने लगोगे। कोई भी कर्मेंद्रिया धोखा नहीं दे, तब समझेंगे कि हम लोग स्वर्ग के अधिकारी बन रहे। अभी भी क्या होता है, कर्मेंद्रिया धोखा दे देती है, कभी मुख, कभी आँख, कभी कान, कभी मन बुद्धि, सब धोखा देता है थोड़ा थोड़ा। कर्मातीत अवस्था हो जाए तब याद की यात्रा पूरी हो जाएगी, अभी पूरी नहीं हुई है। अभी तो तुमको बहुत पुरुषार्थ करना है, ना उम्मीद भी नहीं बनना है कि नहीं कर पाएंगे, नहीं। सर्विस और सर्विस, सेवा और सेवा करते जाना। बाप भी आकर कितना बूढ़ा तन में सेवा किया, 60 साल का बूढ़ा। अभी क्या बोलते हैं जो मतलब 50 साल भी हो गया तो क्या बोलते हैं, हमको शरीर में ताकत नहीं है। और सोचिए 60 साल में बाबा प्रवेश करता है, अब 95 साल तक सेवा किया, तो कितना बड़ा सेवा किया। बाप करण करावनहार है, बच्चों के लिए कितना फिकर भी रहता है। यह बनाना है, मकान बनाना है, जैसे लौकिक बाप को हद का ख्याल रहता है ना, वैसे पारलौकिक बाप को भी बेहद का ख्याल रहता है। तुम बच्चों को ही सर्विस करनी है, दिन प्रतिदिन बहुत सहज होता जाता है। जितना विनाश नदी का आता जाएगा उतना वैराग्य आएगा, उतना ताकत भरेगा। बाबा कहता है जैसे जैसे विनाश होता है कैसे सोचते नहीं, हमको और ज्यादा पुरुषार्थ करना है। गाया भी हुआ है, भीष्म पितामह आदि को पिछाड़ी में तीर लगा, शुरुआत युद्ध में तो तीर नहीं लगा, भीष्म पितामह को अंतिम में तीर लगता है। तभी तीर लग जाए तो बहुत हंगामा हो जाए, अगर अभी सारा बच्चा आने लगेगा ना, पवित्र बनने लगेगा ना अचानक से, तो हंगामा कितना हो जाता। अब विनाश के समय तो अभी देखिए मात्र 10 करोड़ हुआ है, 23 करोड़ और बचे आएंगे, तो अचानक से सब पवित्रता धारण करेंगे, तो उसमें उतना हंगामा नहीं होगा, क्योंकि लोग देखेंगे कि नहीं सही में विनाश हो रहा है। इतनी भीड़ हो जाए तो बात मत पूछो कहाँ रखेगा बाबा। हाँ, ब्रह्मा बाबा तो कहती है ना, माथा खुजलाने की फुर्सत नहीं। अभी क्या लोग बोलते हैं, कहने मात्र कहते हैं ना कि हमको तो माथा खुजलाने का भी फुर्सत नहीं, तो ज्ञान कहाँ से सुनेंगे। यहाँ तक बोल देते मरने का भी फुर्सत नहीं है, तो ऐसे नहीं कोई है नहीं, परंतु भीड़ हो जाती है तो फिर ऐसे कहा जाता है, जब इन्हों को तीर लग जाएगा तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। सब बच्चों को बाप का परिचय मिलना तो है ही, तुम 3 पैर पृथ्वी में भी अविनाशी हॉस्पिटल, गॉडली हॉस्पिटल खोल सकते हो। 3 पैर पृथ्वी का मतलब आप लोग जान रहे हैं ना, याद है क्या? हाँ, 3 पैर पृथ्वी का स्थूल मतलब है कि छोटे से जगह में गीता पाठशाला खोलना, और इसका मतलब ये हुआ कि पहला पैर से हम धरती को नाप रहे हैं, पूरा धरती पर ब्रह्मा कुमारियों का राज हो जा रहा है, हो रहा है ना, सब धर्म अंत हो रहा है और ब्रह्मा कुमारियों का हो रहा है नाम। दूसरा पैर से हम लोग स्वर्ग नाप ले रहे हैं, स्वर्ग में हमारा राज हो रहा है। तीसरा पैर से सारी आत्माओं के ऊपर राज्य करेंगे, तो ये हुआ 3 पैर पृथ्वी, ये सूक्ष्म हुआ जो दिख नहीं रहा है। और स्थूल सिर पे रखने का मतलब है कि आत्माओं, हाँ सब आत्माओं को ये कर लेना, उस पर अधिकार करना। पैसा नहीं है तो भी हर्जा नहीं है, चित्र तुमको मिल जाएंगे। बाबा कहता है अगर पैसा नहीं भी है तो अब बकाओ नहीं, सब पैसा मिल जाएगा, चित्र भी मिल जाएगा। मिला ना, यहाँ हम लोग जब आए थे तो केवल एक फोटो था बाबा का, बोले कोई बात नहीं बाबा अगर नहीं भी फोटो है आप तो निराकर आप आ जाइएगा। अचानक समर्पित बहने बोलने लगी ये फोटो आप ले जाइए, ले जाइए बिना मांगे, तो ये भी आ गया। लाए कैसे? तो ये भी कोई भाई तैयार हो गए, हम लोग ला देंगे, हम ला देंगे। तो सब अपने आप बाबा कार्य कराने लगा, इसीलिए बाबा कहता केवल कदम आगे बढ़ाओ, 1000 कदम हम बढ़ा देंगे। तो सर्विस में मान अपमान, दुख सुख, ठंडी गर्मी सब सहन करना पड़ेगा। जब सर्विस में आगे निकलेंगे ना तो सबसे पहले तो मान अपमान मिलेगा, बहुत कोई गाली देगा, कोई सम्मान भी देगा,
फिर दुख और सुख भी आएगा, यानी कि कभी पैसा रहे ना रहे हर स्थिति में चलो डुल बाबा आप करवा रहे हैं। फिर ठंडी गर्मी का मतलब होता है बीमारी आना, बीमारी भी रहेगा तो भी आपको जिम्मेवारी है कि हमको यहाँ आना है, जैसे निमित का होता है कि वो आएगी नहीं तो मुरली कैसे सुनाएगी, उसी तरह सबके ऊपर जिम्मेवारी की, हम लोगों के आने से भी सेवा हो रहा है। तो किसी को हीरे जैसा बनाना कम बड़ी बात है क्या? बाबा कहता अगर किसी को यहाँ ले आए वो हीरे जैसा बन गया तो उसका भी तो पुण्य होगा ना हमारे ऊपर, तो क्या बाप कभी थकता है? क्या बाप कभी थकता है? ना ब्रह्मा बाबा थका ना शिव बाबा थका, तुम क्यों थक जाते हैं? बाबा हम लोगों से पूछता है तुम क्यों थक जाते हो, थोड़ा सा होता है तो थक जाते हैं। अच्छा मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सारे सवेरे का समय आधा पौना घंटा बहुत प्यार से रुचि से पढ़ाई पढ़नी है। सुबह में पढ़ाई पढ़ना ज्यादा अच्छा लगता है, शाम का पढ़ाई में इतना मजा नहीं आता होगा। आप सुबह में मन एकदम फ्रेश रहता, शाम होते होते क्या होता मन एकदम डल हो जाता था तो धारणा नहीं होती थी। बाप की याद में रहना है, याद का ऐसा पुरुषार्थ हो जो सारी कर्मेंद्रिया हमारे बस में हो जाए, कोई भी कर्मेंद्रिया धोखा ना दे, इतना बड़ा पुरुषार्थ करना है। सर्विस में दुख सुख मान अपमान गर्मी ठंडी सब सहन करना भी पड़े, लेकिन कभी भी सर्विस में थकना नहीं, कुछ भी हो जाए लेकिन नहीं थकना है। तीन पैर पृथ्वी में ही हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलकर हीरे जैसा बनाने की सेवा जरूर करनी है। आज का वरदान है सभी शक्तियों की लाइट द्वारा आत्माओं को रास्ता दिखाने वाले चैतन्य लाइट हाउस बनो। बाबा कहता सभी शक्तियों को लाइट बनकर मतलब हल्का बनकर आत्माओं को रास्ता दिखाना कि यहाँ परमात्मा आकर हम लोगों को कितना भारी वर्षा दे रहा है, इसलिए हम लोगों को चैतन्य लाइट बना, वो तो लाइट स्थूल लाइट है। यदि सदा ये याद रहे कि मैं आत्मा विश्व कल्याण की सेवा के लिए परम धाम से अवतरित हुई हूँ तो जो भी संकल्प करोगे बोल बोलोगे उसमें विश्व कल्याण समाया होगा। फिर क्या करेंगे कि आत्मिक स्थिति से ही ना सबको ज्ञान दे रहे कि कोई गाली भी दे रहा है तो भी मन पर असर नहीं कर रहा है, कि चलो तुम गाली भी दो तो भी हम तुमको संदेश देंगे, तो आत्मिक स्थिति हुआ ना। और ऐसे अगर घर में रहे अगर कोई थोड़ा सा कुछ बोल देता था तो लगता था हमको गाली क्यों दिया, हम उससे पूछेंगे आखिर हम क्या गलत किए, और यहाँ पूछने नहीं जाते हैं गाली दो चाहे तुम प्यार दो हम तो तुमको संदेश देंगे ही देंगे। तो ये स्थिति क्या हुई, आत्मिक स्थिति हो गया, विश्व कल्याण समाया है और यही स्मृति तुम्हें लाइट हाउस का कार्य करेगा। बाबा कहते हमें लाइट बना देगा, लाइट हाउस यानी कि एक लाइट हाउस होता है वो पूरा राज्य में लाइट फैलाता है, और एक छोटा सा दिया क्या करेगा एक रूम तक भी लाइट नहीं फैलाएगा, हमें लाइट हाउस बनना है। जैसे उस लाइट हाउस से एक रंग की लाइट निकलती है ऐसे आप चैतन्य लाइट हाउस द्वारा सभी शक्तियों की लाइट आत्माओं को हर कदम में रास्ता दिखाने का कार्य करो। कोई सुख मांगेगा, कोई शांति मांगेगा, कोई मोक्ष मांगेगा, कोई जीवन मुक्ति मांगेगा, सबको बाबा का रास्ता दिखाना है। स्लोगन है स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप बनो तो राजधानी में नंबर आगे मिल जाएगा। स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप भी बनना है, एक तो प्यार देना है दूसरा सभी का सहयोग भी देना है, सभी को सहयोग देना, गरीब अमीर सब तरह का लोगों को क्या करना प्यार का सहयोग, धन का सहयोग, तन का सहयोग, मन का सहयोग सब देना है, तभी तो राजधानी में नंबर बार आएंगे। राजधानी में जो जैसा दान पुण्य करेगा जैसा सेवा देगा शक्ति स्वरूप बनना पड़ रहा ना हम लोगों को, कि कोई कुछ भी कर रहा लेकिन शक्ति स्वरूप बनकर ही ना निकल रहे हैं, तो इस तरह से नंबर आगे ले लेंगे, जो जितना सहता है उतना ही आगे बढ़ता है।